हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश मुंडे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश मुंडे क्लासेस में। आज इस वीडियो में बात करूंगा क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड सब्जेक्ट कंपलसरी इंग्लिश बुक नेम पैनोरामा एंड चैप्टर नंबर 11 व्हिच नेम इज द रैट्रैप। रैट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। कहने का मतलब जिससे हम चूहे पकड़ सकते हैं वो पिंजरा। द रैट्रैप इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड दिस स्टोरी वॉज रिटन बाई सेल्मा लेगलॉफ। ठीक, शी वॉज बोर्न ऑन 20 नवंबर 1858। She died on 16 March 1940. She was a Swedish author and teacher. उन्होंने एक टीचर के तौर पर भी काम किया था। She was the first woman to win Nobel Prize in literature. कहने का मतलब हो गया, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रथम महिला थी जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। 1909 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, तो ये प्रथम महिला थी नोबेल प्राइज को प्राप्त करने वाली साहित्य की दुनिया में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू हर स्टोरीज, है ना, उनकी स्टोरी में एक थीम हमेशा चलती है। क्या चलती है सुनिएगा। वो ऐसा विश्वास करती हैं कि द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर आप अच्छाइयां जगाना चाहते हैं तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनके साथ प्यार से व्यवहार कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो अगले वाले की जो अच्छाइयां हैं वे सब बाहर आ जाएगी। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, मैंने कहा है कि अगर आप दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों को बाहर लाना चाहते हैं तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। या मैं ये कह सकता हूं कि हम अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें तो हम किसी बुरे व्यक्ति को भी बदल सकते हैं। तो ये थीम इनकी कहानियों में चलती है। इस कहानी में भी यही थीम है। ठीक, इस कहानी में भी एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया गया और उस अच्छे व्यवहार के कारण उस व्यक्ति में क्या आ गया, बदलाव आ गया। चलिए, तो ये कुछ बातें थी हमारे राइटर के बारे में। ठीक, हमारी ऑथर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्टोरी के हल्के फुल्के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो सुनिएगा। अब पेडलर, मैं आपको बता देता हूं कि इस कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट, कहने का मतलब जो नायक है, जो सबसे मेन कैरेक्टर है, वो एक पेडलर है। ठीक, और वो कहने का मतलब वायर से बनी हुई चूहेदानियां बेचता है, खुद ही बनाता है। ठीक, और उनके बाद उनको वो बेच देता है, तो वो चूहेदानियां बेचता है। सुनिएगा, उसके बाद में वन डे ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। एक दिन उसे ख्याल आ जाता है कि ये सारी दुनिया जो है वो एक बड़ा रैट ट्रैप है। कहने का मतलब रैट ट्रैप क्या काम करता है, रैट ट्रैप में हम एक बेट रखते हैं, कहने का मतलब एक प्रकार का लालच रखते हैं, चाहे कुछ भी, चाहे चीज हो, कोई मांस का टुकड़ा हो, कोई ब्रेड हो। ठीक, ताकि उसको देख कर, है ना, उसके लालच में चूहा फंस कर वो वहां आए और फिर उसके बाद में उस रैट ट्रैप में फंस जाए। तो इसी प्रकार ये दुनिया भी उसे एक रैट ट्रैप लगती है। ठीक, एक बड़ी चूहेदानी लगती है जिसमें अक्सर आदमी किसी न किसी लालच में फंस जाता है। ठीक, तो वो ये बात बताना चाहता है। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जो कि एक क्रॉफ्टर है। ठीक, ही हैज 30 क्रोनर, उसके पास 30 क्रोनर है। बाकी जो भी मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं उन सब के बारे में मैं आपको आगे से आगे कहानी में बताता रहूंगा। चलिए, ये कुछ बात की हल्की फुल्की हमारे इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करेंगे हमारी स्टोरी की थोड़ी सी डिटेल में। ठीक, तो कहने का मतलब अब हम एंटर हो जाएंगे हमारी स्टोरी में। लेकिन स्टोरी में एंटर होने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको मेरा वीडियो जो है वो पूरा देखना है, उसे रत्ती भर भी मिस नहीं करना है। कारण यह है कि जो चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इस कहानी के बारे में, वो सारी की सारी यहीं क्लियर हो जाएगी। कहने का मतलब स्टोरी पूरी की पूरी यहीं आपको समझ आ जाएगी, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब आप मेरा वीडियो पूरा ढंग से देखेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारी स्टोरी की थोड़ी सी डिटेल में। कहानी में आपको बताया जाता है कि इस कहानी में एक पेडलर है। ठीक, जो कि इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, वही नायक है। तो पेडलर बताया जाता है और आपको बताया जाता है कि ये पेडलर जो है वो वायर से रैट ट्रैप बनाता है और उसके बाद उनको बेचता है घूम फिर कर। लेकिन इसकी हालत काफी बेकार है, इसके हाल बेहाल है। कहने का मतलब इस काम से उसकी कोई खासी कमाई होती नहीं है, इसलिए उसे कई बार चोरी करनी पड़ती है, कई बार भीख मांगनी पड़ती है। ठीक, उसकी हालत भी बड़ी बेकार बताई गई है कि भाई उसके जो कपड़े हैं वो काफी फटे पुराने हैं। ठीक, उसके गाल जो है वो अंदर धस गए हैं, कहने का मतलब काफी कमजोर सा दिखाई देता है। उसके बाद में भूख जो है उसकी आंखों से हरदम टपकती रहती है, कहने का मतलब भूखे भी मरता है वो व्यक्ति। तो कुल मिलाकर उसके हाल काफी बेहाल है। ठीक, ये काम कोई खासा उसे अच्छी कमाई देता नहीं है। चलिए, अब वो सोचता है एक दिन रैट ट्रैप बेचते हुए कि भाई कि वास्तव में ये दुनिया जो है वो एक रैट ट्रैप है, ये दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है। कैसे भाई, चूहेदानी का काम क्या होता है, चूहेदानी में एक लालच रखा जाता है ना, कोई चीज का टुकड़ा, कोई मांस का टुकड़ा, कोई ब्रेड का टुकड़ा रखा जाता है। चूहा उस लालच को देखकर उस लालच को खाने आता है,
लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है वो जो रैट ट्रैप होता है वो बंद हो जाता है और वो चूहा उसमें फंस जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार वो सोचता है कि दुनिया भी एक प्रकार का रैट ट्रैप, एक चूहेदानी है। यहां पर लालच के रूप में, बेट के रूप में आपके सामने कई सारी चीजें, कहने का मतलब क्या, जैसे भोजन ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, रुपए पैसे ले लीजिए, धन दौलत ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक। तो आदमी क्या करता है, उस लालच की तरफ निकलता है, ठीक, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो खुद पकड़ा जाता है इस रैट ट्रैप में, ठीक। तो उसे ये लगता है कि दुनिया जो है वो क्या है, एक बड़ा रैट ट्रैप है, ठीक, और यहां पर आदमी को ललचाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो वो कहता है कि मैंने कई सारे व्यक्तियों को देखा है, मेरे अपने मित्रों को देखा है जो इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस चुके हैं, और फिर वो उनकी कंडीशन पर हंसता भी है। चलिए अब उसकी बात आती है। एक दिन वो रैट ट्रैप बेचकर अपने घर लौट रहा था, लेकिन आते आते काफी लेट हो गया, तो रास्ते में उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, ठीक। उसने सोचा कि आज रात यहीं बिता ली जाए, तो वो जाता है और उस झोपड़ी पर दरवाजा खटखटाता है, ठीक। जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है, तो उसे इजाजत मांगते हैं कि मैं आपके यहाँ पर रात ठहरना चाहता हूं, ठीक। तो वो व्यक्ति उसे मना नहीं करता है, क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति खुद अकेला है, ठीक, उसके पास टाइम पास करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है, ठीक, वो अकेला अपना जीवन यापन कर रहा है। तो उसने भी सोचा कि ठीक है, अपनी आज की रात एक व्यक्ति के साथ कटेगी तो कहने का मतलब अच्छा रहेगा, मेरी भी रात अच्छे से कट जाएगी, मेरा भी टाइम पास अच्छे से हो जाएगा, आ जाओ तुम अंदर, ठीक। उसे वो अंदर ले लेता है। फिर उसके बाद वो जो व्यक्ति है, जो कि बूढ़ा व्यक्ति, वो काफी अच्छा व्यक्ति है, ठीक, और काफी भोला किस्म का भी व्यक्ति है। वो उसे अपनी सारी चीजें बताता है, ठीक। पहले वो उसके लिए दलिया वगैरह तैयार करता है, उसे खाना खिलाता है, ठीक। उसके बाद में वो उसके साथ एक ताश के पत्तों का खेल भी खेलता है, जिसे मजोलिस कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, मजोलिस करके गेम है, ताश के पत्तों से खेला जाता है। तो कहते हैं उन दोनों ने ताश के पत्तों का गेम भी खेला, उन दोनों ने तंबाकू भी पिया, कहने का मतलब चिलम वगैरह पी, ठीक। तो उसने काफी उसकी मतलब जैसे हम कहते हैं ना मेहमान नवाजी, ठीक, वो काफी अच्छे से की उसने। फिर उसके बाद अब वो अपनी सारी बातें उसे बता रहा है, वो उसे बताता है कि मैं पहले रेमस जो आयरन वर्क्स में काम करता था, ठीक, एक क्रॉफ्टर का काम करता था, तो मैं उस समय काफी समृद्धशाली था, लेकिन अब कहने का मतलब मैं वहां काम नहीं कर सकता हूं, इसलिए अभी मेरी कमाई का साधन सिर्फ मेरी एक गाय है, लेकिन मेरी गाय एक विशेष प्रकार की गाय है जो काफी अच्छा दूध देती है, और उसके दूध से अभी मैंने इस महीने में कहने का मतलब 30 करोड़ कमाए हैं, ठीक। अब वो जब कहता है कि मैंने 30 करोड़ कमाए, तो वो उसको सबूत के तौर पर बताता भी है, कहने का मतलब खिड़की के पास एक पाउच टंग रखा है चमड़े का बना हुआ, उसमें उसके 30 करोड़ पड़े हैं। तो वो जाता है, ठीक, उस खिड़की के पास से वो पाउच जो लटका हुआ है उसे उठाता है, और उसमें से 3 10 करोड़ के नोट निकालकर उसको बताता है कि देखो ये मैंने इस महीने कमाए हैं, ठीक, सिर्फ मेरी गाय के दूध से। और फिर उन्हें वापस वो बैग में डालकर, उस पाउच में डालकर वापस उसे वही खिड़की के पास टांग देता है। तो इस प्रकार ये आदमी काफी भोले किस्म का व्यक्ति था, जिसने अपनी सारी बातें उसको बताई। चलिए जैसे तैसे अब वे दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह जब सुबह होती है, तब ये जो क्रॉफ्टर है, जो बूढ़ा आदमी है, ये जल्दी उठ जाता है, और जब ये जल्दी उठता है तो इसके पीछे हमारे पेडलर को भी जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि मकान का मालिक उठ गया तो फिर उसे तो उठना वाजिब सी बात है, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। तो दोनों उठ जाते हैं, फिर दोनों रेडी होकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कहने का मतलब क्रॉफ्टर जो है वो अपने काम के लिए निकल जाता है, और हमारा पेडलर जो है वो अपने काम के लिए निकल जाता है, कहने का मतलब वहां से अलविदा कह देता है। चलिए अब दोनों निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका जो पैडलर है वो वापस आ जाता है। कहने का मतलब क्यों, क्योंकि ये एक चोर किस्म का व्यक्ति तो है, ठीक, इसने वो 30 करोड़ देख लिए, तो वो सोचता है कि ये व्यक्ति कितना मूर्ख है और मैं कितना होशियार हूं। वो वहां आता है, उस खिड़की में जो ग्लास लगा हुआ उस ग्लास को तोड़ देता है, अंदर जो पाउच टंगा हुआ उसको बाहर निकालता है, उसमें से 30 करोड़ के जो नोट है उन्हें बाहर निकाल देता है, और वापस पाउच को वहीं पर टांग देता है, और खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। चलिए अब वो जब निकल गया है, ठीक, तो वो पहले तो रोड टू रोड चल रहा है, लेकिन जब वो रोड पर चल रहा है तो वो कहता है मैं कितना मूर्ख हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्रॉफ्टर मेरे पीछे आ जाए, रोड रोड है, ठीक, तो शायद वो रोड पर मेरे पीछे आ जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि जंगल के रास्ते निकल जाता हूं। चलिए अब वो रोड को छोड़ देता है और जंगल के रास्ते में निकल जाता है, चलता रहता है, लेकिन जब तक वो चलता रहता तब तक शाम का समय दोबारा हो जाता है, ठीक, धीरे धीरे अंधेरा पड़ने लग जाता है। आपको बताया जाता है कि दिसंबर का टाइम है, ठीक, और अब जब दिसंबर का टाइम है तो सर्दी का टाइम है, कहने का मतलब सूर्य जल्दी ढल जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो कुल मिलाकर अंधेरा जल्दी पड़ गया, और अब वो जंगल में घूम रहा है, ठीक, बार बार भटक रहा है, लेकिन उसे रास्ता कहीं पर भी मिल नहीं रहा है।
अब जब वो भटक रहा है, जब वो इधर उधर घूम रहा है और उसे लग गया है कि भाई मैं अब फंस गया हूं, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं जंगल में फंस चुका हूं, तब उसे लगता है कि आज मेरी बारी है रैट ट्रैप में फंसने की। कहने का मतलब, मेरे सामने एक लालच रखा गया था, वो लालच रखा उस क्रॉफ्टर ने 30 क्रोनर के रूप में, मैंने उस लालच की तरफ, है ना, मैं उस लालच की तरफ खींचा चला गया, मैंने उस लालच को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसे पकड़ा तो मेरा रैट ट्रैप जो है वो बंद हो गया। कहने का मतलब मैं रैट ट्रैप में फंस चुका हूं। ठीक, अब वो घूम घूम कर काफी थक चुका है, काफी हार चुका है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि आज मैं मरने वाला हूं, और इतना सोचकर वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जब वो जमीन पर गिर जाता है तो उसके बाद उसे आवाज आती है, कहने का मतलब कहीं पर ठोक पीटने की, है ना। ये ठोक पीटने की आवाज कहां से आ रही तो मैं आपको बता देता हूं, पास में ही एक आयरन वर्क्स है, एक आयरन मिल है, ठीक। तो वहां पर हथौड़े मारने की, लोहे के ऊपर हथौड़े मारने की आवाज आ रही है, ठीक, और उसे लगता है कि आसपास कोई ना कोई आयरन मिल है, ठीक। तो उसमें थोड़ी सी शक्ति आती है, वो अपने आप को उठाता है और उस मील की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। चलिए, जैसे तैसे वो उस मील की तरफ बढ़ता है, मैं आपको बता देता हूं, इस मील के बारे में भी वर्णन कर रखा है कि आपका जो राइटर है वो आपको बताता है कि भाई जब की ये कहानी है, ठीक, तब ये रैम्स जो आयरन वर्क्स जो है वो काफी फेमस था, ठीक। यहाँ का मालिक भी काफी, कहने का मतलब, अपने काम के प्रति समर्पित था, ठीक। वो चाहता था कि अच्छा सा सोना, सॉरी अच्छा सा लोहा जो है, ठीक, वो बेचे भेजे, ठीक। तो यहाँ पर कैनल के रास्ते, कहने का मतलब नहरों के रास्ते, कई सारी जहाजें जाती थी लोहा भर भर के, और सड़कों के रास्ते भी कई सारी ट्रक जाती थी। तो वहां पर सड़कों पर भी, कहने का मतलब, वो जो अपना जो लोहा है उससे जो निकलने वाली जो डस्ट है वो भरी पड़ी है रोड पर भी। तो इस प्रकार आपको बताया जाता है कि काफी अच्छा काम चलता था। हालांकि जब ये कहानी लिखी गई थी, ठीक, तब तक ये आयरन मिल बंद हो चुकी थी। आपको इस कहानी में बताया गया है, ठीक है, कि पहले काफी अच्छी थी लेकिन अब ये बंद हो चुकी है। चलिए, कोई बात नहीं, कुल मिलाकर वो उस आयरन मिल पर पहुंचता है, ठीक। वो आयरन मिल का दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है, तो वहां एक ब्लैक स्मिथ काम कर रहा है, उसके साथ उसका एक असिस्टेंट भी काम कर रहा है, ठीक। हालांकि उन्हें पहले पता नहीं पड़ा कि कोई अंदर आया, कोई घुसपैठिया अंदर आया, ठीक है, और वो अंदर आकर हमारे पास बैठा है, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया। लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं दिया। कहने का मतलब क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अक्सर इस जंगल में व्यक्ति रास्ता खोता है और शरण की, मतलब शरण पाने के लिए आदमी हमारे यहां पर आता है, ठीक। फिर भी हमारा जो ये पेडलर है उसने उनसे इजाजत मांगी कि क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ एक रात के लिए, ठीक। तो वो ऐसे ही, मतलब कहने का मतलब हम जिसे कह सकते, बस नॉर्मली उन्होंने से हिलाया कि ठीक है रलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम्हारी तरह यहाँ पर कई बार लोग आते हैं। चलिए, अब उसके बाद जब वो व्यक्ति वहां पर लेट गया है, ठीक, वहीं पर सो गया है, उसे तो रात बितानी है जैसे तैसे, ठीक है, और फिर सुबह होकर निकल जाना है। तब जब वो लेटा हुआ है, उतने में इस आयरन मिल का जो मालिक है वो आ जाता है। मैंने आपको बताया कि ये अपने काम के प्रति काफी समर्पित था, ये चाहता था कि अच्छे से अच्छा लोहा जो है वो एक्सपोर्ट करे, ठीक, इसकी यही इच्छा थी कि वो अच्छे से अच्छा लोहा तैयार करे और उसे एक्सपोर्ट करे। तो वो व्यक्ति काम देखने के लिए सुबह शाम आता है, तो अभी वो काम देखने के लिए आ रहा है। वो जब अंदर आया तो उसने देखा कि यहां पर एक व्यक्ति है जो कि अजनबी है, ठीक। वो उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, उसके सिर से टोपी दूर लेता है, और जैसे वो उसका चेहरा देखता है, ठीक, तो वो कहता है, अरे ये तो तुम हो नील्स ओलाफ, ठीक। वो उसका नाम पुकारता है, वो कहता है, अरे ये तो तुम हो नील्स ओलाफ वॉन स्टेहले, है ना, ये इसका पूरा नाम है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको आपकी कहानी बताया गया है, एक जगह उसने ये नाम पुकारा है, फिर दूसरी जगह ये नाम पुकारा गया, लेकिन ये एक ही नाम है, ठीक, एक कैप्टन का नाम है। तो सुनिएगा, तो कुल मिलाकर वो कहता है, अरे कैप्टन तुम हो, तुम तो नील्स ओलाफ हो, तुम्हारी ये कंडीशन कैसे, ठीक। मैंने आपको बताया कि भाई उसके कपड़े जो है काफी फटे पुराने हैं, फिर उसके बाद वो काफी, उसके जो गाल हैं वो अंदर धसे हुए हैं, काफी भूखा भी वो लग रहा था, ठीक, और आज तो वो भटक भटक के ज्यादा लग रहा होगा, ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा होगा। तो उसने उसे देखकर सीधा कहा कि तुम्हारी ऐसी कंडीशन कैसे हो गई, तुमने बहुत बड़ी गलती की जब तुमने रेजिमेंट छोड़ा था, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आयरन मिल का जो मालिक है वो पहले मिलिट्री में था, ठीक, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम था नील्स ओलाफ, और यहां पर ये जो आयरन मिल का जो मालिक है वो गलती ये कर रहा है कि वो इस पेडलर को नील्स ओलाफ समझ रहा है। तो वो उसे कह रहा है कि तुम्हें उस समय रेजिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए था, तुमने रेजिमेंट छोड़कर काफी बड़ी गलती कर दी थी। अब बात आती है पेडलर की,
पैरेलल भी पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर जब उसे लगता है कि ये आदमी मुझे कुछ अलग समझ रहा है ना, ये धोखा खा रहा है, मुझे कोई और व्यक्ति समझ रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, समझ रहा तो अपना तो फायदा ही है ना, हो सकता है कुछ एक क्रोनर मुझे दे दे, है ना भाई, इस पर मुझ पर इसे दया आ जाए, उसके बाद वो मुझे कुछ क्रोनर दे दे, ठीक तो बढ़िया है, अपने क्या है। तो वो भी नहीं कहता कि मैं नील्स ओलाफ नहीं हूं। चलिए अब ये जो आयरन मिल का जो मालिक है वो उसे कहता है चलो तुम मेरे साथ चलो, है ना, मेरे घर चलते हैं, ठीक आगे क्रिसमस है, ठीक तो हम क्रिसमस पे काफी इंजॉय करेंगे और मैं तुम्हारी काफी अच्छी सी तुम्हारी जो कंडीशन उसे भी सुधारने की कोशिश करूंगा, तुम घर चलो, ठीक और तुम चिंता मत करो, अपने घर पर कोई नहीं है। भाई कहने का मतलब जब उसे घर चलने के लिए कहता है तो आपका जो पैडलर है वो पहले डर जाता है और वो जाना नहीं चाहता है। वो जाना क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि भाई ये मिलिट्री का आदमी है, ठीक है, कहने का मतलब एक फोर्स से रिलेशन रखता है, और इस व्यक्ति को थोड़ा बहुत भी अगर शक हो गया तो कहने का मतलब ये मुझे पकड़वा देगा, मैं पैसे तो चुरा के आए हूं, मैं क्रोनर चुरा के आया हूं, ठीक तो ये आदमी मुझे पकड़वा सकता है, तो वहां पर जाना तो बहुत बेकार बात होगी, ये तो मूर्खता वाला काम होगा, इसलिए मुझे वहां जाना नहीं है। बार बार ये आयरन मास्टर जो है वो आयरन मिल का जो मालिक जो है वो उसे बार बार फोर्स करता है कि चलो मेरे साथ चलो, लेकिन वो बार बार मना करता है। फिर आयरन मास्टर सोचता है कि शायद ये अपने हालात है ना, उसके जो फटे पुराने कपड़े हैं, उसकी जो कंडीशन है, शायद उससे शर्मा रहा है कि यार क्या पता घर पर कौन कौन होंगे। तो आयरन मास्टर ने कहा कि तुम अपनी चिंता मत करो, है ना, मेरे घर पे कोई नहीं है, अगर तुम्हें पता हो तो मेरी जो पत्नी है एलिजाबेथ, ठीक वो तो मर चुकी है, तुम्हें उसकी जानकारी मिल गई होगी, ठीक है, और मेरा जो बच्चा है वो बाहर है, ठीक वो विदेश में है, अब मैं और मेरी बच्ची ही अपने वहां पर रहते हैं, मेरी बच्ची का नाम है एडला, ठीक है, एडला विलमनसन, तो वो अपनी बच्ची का नाम भी बताता है कि एडला है और मैं ही घर पर है, तुम्हें वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम चलो। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पैडलर अपने मन में सावधान था, वो ऐसे व्यक्ति के घर पर नहीं जाना चाहता था जो कि एक फोर्स से रिलेशन रखता हो, ठीक चलिए वो उसे मना कर देता है, काफी इसके फोर्स करने के बावजूद भी वो उसे मना कर देता है। फिर वो हंसते हंसते वहां से निकल जाता है, वो कहता है कि भाई आज रात तो है ना, अपने जो ब्लैक स्मिथ और उसका जो असिस्टेंट है उनसे कहता है भाई आज रात हमारे जो कैप्टन वॉन स्टेले हैं वो तुम्हारे साथ ही रुकना चाहते हैं, और फिर वो वहां से निकल जाता है। अब जब ये आयरन मास्टर जब अपने घर जाता है तो घर जाकर काफी चिंतित दिखाई देता है, और अपनी बच्ची से है ना, उसकी बच्ची काफी कहने का मतलब किसी भी सिचुएशन को भांप लेती है जल्दी से। तो जब उसने अपने पिता का इस प्रकार का मूड देखा तो उसने सीधा सा कहा पापा क्या बात है, तो उसने सारी बातें उसको बताई। तो अब वो जो लड़की है जिसका नाम एडला है, वो अपने पिता की बात सुनकर वो कहती है मैं एक बार कोशिश करती हूं, मैं उस व्यक्ति को अपने घर लेकर आती हूं, मैं जाती हूं। वो लड़की अपने एक ड्राइवर के साथ अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर आती है, ठीक, और वो दोनों उस मील में प्रवेश करते हैं, आगे आगे वो लड़की चल रही है और पीछे पीछे उसका ड्राइवर चल रहा है, उसके हाथ में एक फर वाला कोट है, वो कोट उस व्यक्ति के लिए ही लेकर आई है ताकि ठंड में उसे ओढ़ा सके, पहना सके, उसे ठंड ना लगे। चलिए अब वो जब पहुंची है तब भी आपका जो पैडलर है वो अपने सिर पर अपनी टोपी रुमाल जो भी है वो रखकर सो रहा है, तो वो लड़की आती है और वो उसके सिर से वो टोपी या रुमाल जो भी है वो उसे हटाती है, और फिर वो कहती है, वो जैसे उससे बात करने की कोशिश करती वो एकदम से डर जाता है। तो उसकी कंडीशन देखकर वो लड़की भाप गई थी कि ये जो व्यक्ति है वो या तो कहीं ना कहीं से चोरी करके आया हुआ है या फिर ये कहीं कहीं से पुलिस से भाग कर आया हुआ है, ठीक है, ये व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि ये मिलिट्री से किसी प्रकार का कोई भी संबंध रखता है। चलिए तो उसने उसे काफी फोर्स किया कि चलो आप हमारे घर पे चलो, है ना, काफी अच्छे से उसने उसके साथ व्यवहार किया कि आप हमारे घर चलो, ठीक, और हम आपको काफी कहने का मतलब हम जो हमारे क्रिसमस का जो त्योहार है हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ मिलकर मनाएं, ठीक हमारे साथ भी वैसे भी कोई नहीं है तो हमें भी तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी और तुम्हें भी हमारी कंपनी मिल जाएगी। उसके बाद जब इस लड़की को पता पड़ गया कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से भागा हुआ है, कहीं कहीं से चोरी करके आया हुआ है, तो उसने उसको क्लियर कर दिया कि अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी जो ये स्वतंत्रता है वो हमारी वजह से कहीं ना कहीं मारी जाएगी तो ऐसा मत सोचो। कहने का मतलब हो गया कि जैसे तुम हमारे साथ चल रहे हो हम वैसे ही तुम्हें छोड़ देंगे, जब तुम्हारी इच्छा हो तुम हमारे घर से निकल जाना, तुम हमारे साथ चलो। चलिए अब उस लड़की के इतने अच्छे व्यवहार को, इतने अच्छे शब्दों को वो मना नहीं कर पाया, आखिरकार आपका पैडलर जो वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता, ठीक उसे वो कोट दिया जाता, वो कोट पहन लेता है, उसके बाद में ये सीधे अपने घर पहुंच जाते, कहने का मतलब एडला जो है अपने घर पर उस पैडलर को लेकर आ जाती है। चलिए अब सुबह का टाइम बताया जाता है, सुबह का टाइम जब है तो एडला उसके लिए नाश्ता वास्ता तैयार कर रही है,
ठीक, और वो अपने पिता से कह रही, पिता मुझे नहीं लगता कि ये आदमी जो है वो मिलिट्री से किसी प्रकार का संबंध रखता है। तो उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा वो तो क्या है, उसकी हालत ऐसी है ना, ठीक, वो फटे हाल है, ठीक, उसके कपड़े फटे हुए हैं, काफी कमजोर दिखाई दे रहा है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जब वो एकदम है ना, मतलब सज धज के तैयार होगा, जब उसे नहलाया धुलाया जाएगा तब देखना, जब वो साफ सुथरा हो जाएगा तब देखना, तुम्हें लगेगा कि वास्तव में ये आदमी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। ठीक, इधर ये नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं और उधर आपके जो एडला है और उसके जो पिता है, उनके जो नौकर है, उन नौकरों ने उसे नहलाया धुलाया, उसे बढ़िया से शेव वगैरह करवाया, ठीक, तो कहने में उसे एकदम बढ़िया से तैयार कर दिया है और अब वो तैयार होकर रेडी होकर उनके पास आता है। लेकिन जैसे ही वो उनके पास आता है, तब एडला के जो पिता है, कहने का मतलब जो आयरन मास्टर है, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो चौंक जाते हैं। कारण ये है कि रात को तो कम रोशनी में उन्होंने सोच लिया कि शायद ये व्यक्ति कौन है, नील्स ओलाफ, लेकिन अब दिन की रोशनी में जब एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति भी एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, तब वो समझ गया कि ये व्यक्ति मेरा मित्र नील्स ओलाफ नहीं है, ये कोई दूसरा है। तो वो चिढ़ जाता है, वो गुस्सा कर जाता है और वो कहता है, भाई ये क्या, तुमने तो हमारे साथ बेईमानी की है, तुम नील्स ओलाफ नहीं हो तो तुम हमारे घर कैसे आए, ठीक, मैं तुम्हें पुलिस के पास ले जाऊंगा, है ना, तुमने तो ये बहुत बड़ी बेईमानी की है। लेकिन अब वो व्यक्ति कहता है, आपका जो पेडलर, वो कहता है, सर मैंने क्या किया, मैंने तो आपको मना ही कहा था कि मैं आपके साथ घर नहीं आ सकता, लेकिन आप ही मुझे जबरदस्ती यहां पर लेकर आए, मेरी किसी प्रकार की गलती नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो दुनिया है वो रैट ट्रैप है, ठीक, और इस रैट ट्रैप में व्यक्ति किसी न किसी लालच के चक्कर में आकर फंस जाता है। आज मैं फंस गया हूं, ठीक, हो सकता है कल आप फंस जाए, तो ये तो दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप है। आप मुझे माफ कीजिए अगर आप कहते हो तो मैं अभी का अभी निकल जाता हूं, ठीक, आपको किसी प्रकार पुलिस को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहां से निकल जाता हूं। लेकिन इन दोनों की बातों को सुनकर, कहने का मतलब पेडलर और आयरन मास्टर की बातों को सुनकर, जो एडला है वो बोलती है कि पिताजी रुकिए, हम इसे ऐसे नहीं भेज सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, तो कहती है कि ये जो व्यक्ति है ये पूरे साल इधर से उधर भागता रहता है, ठीक, कोई भी इसको प्यार नहीं देता, कहीं पर भी इसको घर के जैसा लगता नहीं है, कोई भी इसका स्वागत नहीं करता है, और इसे जहां पर भी जाता है इसे डर रहता है कि इसको कहीं गिरफ्तार न कर लिया जाए, इससे कहीं किसी प्रकार की कोई पूछताछ न कर ली जाए, ठीक, लेकिन मैं चाहती हूं कि एक दिन हमारे साथ शांति से गुजारे, ठीक है, इसका ये जो दिन है हमारे साथ जो होने वाला है, ये इसके लिए काफी अच्छा दिन होना चाहिए, मैंने इसके लिए काफी तैयारी भी की है, तो मैं चाहती हूं कि इसे हम ऐसे नहीं भेज सकते हैं, ठीक। चलिए, उसके पिता भी मान लेते हैं कि सही बात है, ठीक, हालांकि मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा जो डिसीजन है वो एकदम गलत है कि हम इसे यहां पर रोक रहे हैं, लेकिन अब चूंकि हम ही इसे लेकर आए हैं तो हम इसे ऐसे भेज नहीं सकते हैं। चलिए, अब जब उसके पिता की स्वीकृति मिल गई है तो वो जो लड़की है वो पेडलर का हाथ पकड़ती है, उसे कुर्सी पर बिठाती है और उसे खाना खिलाती है। चलिए, अब खाना खाने के बाद ये जो पेडलर है वो सीधा अपने रूम में जाता है और सो जाता है। फिर दोपहर में दोबारा इसको भोजन के लिए बुलाया जाता है, इसको उठाया जाता है, ये आता है, भोजन करता है और दोबारा जाकर सो जाता है। कहने का मतलब ये इतने सुकून के साथ नींद ले रहा है जितने सुकून के साथ इसने आज तक कभी नींद नहीं ली। कहने का मतलब ये यहां पर बिना किसी चिंता के आराम से सो रहा है, यहां पर उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। चलिए, अब आपको बताया जाता है कि शाम को जब क्रिसमस की जो पूर्व संध्या है तब पेड़ों पर लाइट लगाएगी, मोमबत्तियां जलाएगी, ठीक, तो तब उस व्यक्ति को, हमारे पेडलर को उठाया गया। जब ये उठा तो वो चकाचौंध कर देने वाली जो रोशनी थी वो उसकी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन फिर उसके बाद जब ये रोशनी वगैरह की गई उसके बाद ये दोबारा जाकर सो गया, और जब ये सोया तो उसको 2 घंटों के बाद वापस उठाया गया ताकि ये शाम का भोजन ले सके, रात्रि का भोजन ले सके। इसको मछली खिलाई गई, इसको दलिया खिलाया गया और ये फिर उठकर सबको धन्यवाद देता और दोबारा जाकर सो जाता है। कहने का मतलब ये जो दिन था वो पूरा दिन इसने सोते सोते और खाते पीते गुजारा। सुबह खाना खाया, फिर दोपहर में खाना खाया, फिर शाम को जब लाइटिंग लगाएगी तब इसे उठाया गया और 2 घंटों बाद इसे दोबारा उठाया गया ताकि ये मछली और दलिया ले सके और फिर वो वापस जाकर सो जाता है। तो ये दिन इसका काफी अच्छे से बीता, बिना चिंता के, है ना, और कहने का मतलब काफी ऐशो आराम के साथ बीता, एक अच्छे भोजन के साथ बीता। चलिए, अब नेक्स्ट डे जब सुबह हुई तब सुबह ये जो आपका आयरन मास्टर ये और इसकी बच्ची जो है वो सुबह जल्दी उठकर सीधे चर्च पहुंच जाते हैं पूजा के लिए। फिर वो जब वहां पहुंचते हैं तब वहां पर उन्हें सुनने में आता है कि क्रॉफ्टर जो है
ठीक है ना। उस क्रॉफ्टर के वहां पर एक व्यक्ति आया था जो कि चूहेदानियां बेचता था और उसने उसे लूट लिया, उसने उसके वहां पर चोरी कर ली, उसके 30 क्रोनर चुराकर वो भाग चुका है। अब इन दोनों मां बेटियों को, सॉरी पिता और पुत्री को ख्याल आता है कि ये वही चूहेदानी बेचने वाला है जो कि हमारे घर पर है। इसका पिता वही अपनी बच्ची को डांटता है और कहता है कि देखो तुमने क्या डिसीजन ले लिया, अब पता नहीं हमारे घर में क्या क्या चीजें बची हुई होगी, है ना, शायद वो तो सारे चांदी के चम्मच, चांदी की सारी चीजें लेकर भाग गया होगा, चलो जल्दी से हम घर पहुंचते हैं। वे 10 बजे, कहने का मतलब सीधे घर पहुंचते हैं वहां से चर्च से, और जब वे घर पहुंचते तो घर से जैसे ही वो, कहने का मतलब घर में एंटर होते हैं तो वो नौकर से पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ है। ठीक, तो नौकर कहते हैं सर वो तो चला गया, है ना, अरे सारी हमारी जो सारी चीजें वो व्यवस्थित है या नहीं, या कुछ लेके गया? तो उसने कहा नहीं सर वो कुछ भी लेकर नहीं गया है, उल्टा वो तो एक गिफ्ट देकर गया है मैडम के लिए, एडला के लिए। ठीक, मैं आपको बता देता हूं, एडला जब उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही थी तब उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था, पैडलर को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है मेरे साथ। ठीक, उसके दिमाग में एक प्रश्न था कि ये लड़की इतना अच्छा मेरे साथ व्यवहार क्यों कर रही है जबकि मैं तो एक दुष्ट व्यक्ति हूँ, मैं तो एक चोर व्यक्ति हूँ, मेरे बारे में ये सब कुछ जानती है उसके बावजूद भी मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती है। ठीक है, तो अब जब नौकर ने कहा कि सर वो तो कुछ भी लेकर नहीं गया है, उल्टा वो तो मैडम के लिए एक उपहार देकर गया है, लड़की सीधे दौड़ती है, ठीक, और दौड़कर वो उपहार लेती है। उस उपहार को काफी गंदे तरीके से पैक किया गया था, आपको बताया जाता है इतने गंदे तरीके से कि आप बाहर से भी देख सकते हैं कि अंदर क्या है। ठीक, चलिए जैसे तैसे वो ऊपर जो रैपर लगा उसे वो खोलती हैं, ठीक, और उसके बाद वो देखती हैं कि अंदर एक चूहेदानी है और चूहेदानी के अलावा उसमें वो 30 क्रोनर रुपए पड़े हैं। ठीक, वो क्रोनर पड़े, कहने का मतलब 30 क्रोनर पड़े जो उसने चुराए थे, और उसके बाद में उनके साथ एक लेटर भी है। उस लेटर में आपका जो पेडलर उसने लिखा है कि मैडम मैं हालांकि कैप्टन नहीं हूं लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं कैप्टन बनूं, है ना, कहने का मतलब आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसे कि मैं वास्तविकता का, है ना, मैं वास्तविक रूप से एक कैप्टन हूं। ठीक, आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो बदले में मैं भी चाहता हूं कि मैं बिल्कुल आपके साथ वैसा व्यवहार करूं जैसे कि मैं कैप्टन हूं। ठीक, आप ये 30 क्रोनर जो है उस बूढ़े व्यक्ति को वापस दे दीजिएगा जो मैंने उसके घर से चुराए थे। ठीक है, और ये जो चूहेदानी है वो चूहेदानी मेरी तरफ से आप गिफ्ट समझिए और आप इसे रखिए। नीचे जाकर वो साइन भी करता है कैप्टन वॉन स्टेले, कहने का मतलब वो अपने आप को कैप्टन बता रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि उसने कहा है कि मैडम आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि मैं कैप्टन हूं, है ना, आपने इतना अच्छा मेरे साथ व्यवहार किया और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं वास्तविकता का एक कैप्टन बनूं, है ना, और इसीलिए ये जो 30 क्रोनर है मैं वापस लौटा रहा हूं। तो कहने का मतलब आप देख लीजिए यहां पर, अब चूंकि इस एडला ने उस व्यक्ति के साथ, जबकि उसे पता है कि ये एक चोर है, ये एक बदमाश आदमी है, ये पुलिस से मारा मारा फिर रहा है, ठीक है, और गिरफ्तारी का इसे डर है, ये चोरियां करता है, उसके बावजूद भी इस लड़की ने उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया। तो उसके प्यार से, उसके अच्छे व्यवहार से ये जो बेकार व्यक्ति था, ये जो चोर टाइप का जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति में भी बदलाव आ गया। और ये कहानी आपको यही सिखाना चाहती है कि अगर आप किसी के साथ प्यार से व्यवहार करें, अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें तो बुरा व्यक्ति भी अच्छा व्यक्ति बन जाता है। यही कहानी आपको सिखाना चाहती है और इस लेटर के साथ ही ये आपकी जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। चलिए अब मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी क्लियर कर दी, मैंने सब कुछ बता दिया है। हाँ, एक नाम और रह गया था, उसे देख लीजिए, स्टेथन स्ट्रोम, है ना, ये ब्लैक स्मिथ का नाम था, वो ब्लैक स्मिथ जो कि आयरन मिल में काम कर रहा था अपने असिस्टेंट के साथ। जब पेडलर आयरन मिल में गया था तो वहां पे दो व्यक्ति थे, एक ब्लैक स्मिथ था और एक उसका असिस्टेंट था, तो ब्लैक स्मिथ का नाम है स्टेथन स्ट्रोम, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है, फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, मैं एक बात ये भी जरूर कहूंगा कि जब आपको ये मेरी स्टोरी पूरी की पूरी समझ में आ जाती है, है ना, मेरा वीडियो जब आप अच्छे से देखते हैं और ये पूरी की पूरी कहानी जब आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो उसके बाद आप अपनी किताब के पास जाइएगा और उसे एक बार नहीं बल्कि दो बार जरूर पढ़िएगा ताकि छोटी मोटी आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएगी, वे बातें भी जो शायद मैं नहीं बता पाया हूं वे भी आपके सामने आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी पूरी की पूरी स्टोरी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, एकदम बढ़िया हो जाएगी, एकदम टॉप हो जाएगी। चलिए अब बात आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब की, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये स्टोरी आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। ठीक, अगर आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकती है तो मेरे इस वीडियो को उन्हें शेयर करें, मेरे इस चैनल को उन्हें रेकमेंड करें, और अंत में
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि मेरे चैनल को वे सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच।